Okay, Mic was off. Sorry, uh, welcome to Crack Grade B. And uh, today we are going to discuss uh, phase two mock questions and sample questions. Uh, how we will provide you the uh, mock test means what type of questions we are going to provide in the mock and how you will find the question in the exam also. That this will be the pattern, means similar pattern, you will be uh, the question will be asked in the exam also. Navard grade A phase two. So we will be discussing. एग्जैक्ट फॉर्मेट यू कैन से इट नॉट एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम बट सिमिलर टू दैट फेज टू का ऐप में फेज टू का डिफरेंट कंटेंट नहीं होगा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वहां दिए हुए हैं और कंटेंट ऑब्जेक्टिव के लिए वही पढ़ना है हम सिर्फ फेज टू के लिए जो है रिविजन कंटेंट टाइप से रहेगा रिविजन क्लासेज रहेंगी प्लस में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड करेंगे जैसे स्कीम्स के फेज टू के लिए हुए पी आई बी के फेज टू के हिसाब से तो वो अपलोड करेंगे वो एड होना स्टार्ट हो जाएगा वेडनेसडे से और अलग से कोई नया कंटेंट नहीं है क्योंकि वही कंटेंट पढ़ना है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एड है कुछ करंट बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो और एड हो जाएंगे तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बिकॉज जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे वो सिमिलर आपके फेज में जैसे पूछे गए थे ई एस आई ए आर डी के वैसे ही पूछे जाएंगे अलग पैटर्न नहीं रहता वही मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड रहता है जनरली कुछ वन लाइनर टाइप से भी रहते हैं सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्कीम्स पार्ट प्लस पीआईबी एंड कुछ स्टैटिक पार्ट रह सकता है बट मैक्सिमम पीआईबी प्लस स्कीम से रहेगा स्कीम्स में एग्रीकल्चर के स्कीम्स हैं या रूरल uh, डेवलपमेंट so, so, जो मैंने स्कीम्स एटलीस्ट जो लास्ट सेसन था मेरा उसमें मैंने जो स्कीम्स की लिस्ट दी है वो कर लेना तो ये क्वेश्चन डिस्कस uh, करने जा रहे हैं आपने पी पढ़ा होगा पी और आपका बाकी स्टेटिक जो कॉन्सेप्ट uh, का नॉलेज है वो भी चेक होता है इन क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही जनरली मिलेगा मान लो ये जैसे कि ये पी से लिया गया पैराग्राफ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन केम इन टू अफेक्ट फ्रॉम विच डेट एंड हैज अडोप्टेड थीमेटिक अप्रोच टू एस डी जी इट इज अप्रोच टू इंश्योर लोकल एक्शन फॉर अचीविंग ग्लोबल प्लान द अप्रोच एम्स टू लोकलाइज एस डी जी सो विच फर्स्ट थिंग इज questions let's see the question what is the question which will which of the following will replace a in the above paragraph so sdg cub start with a anyone can guess anyone sdg cub with the fact from which date the sdg were started sustainable development goal which were adopted in uh, by the un any guess एनी वन वॉन्ट टू गेस नो अडोप्टेड हुए थे अडोप्ट किए गए थे 2015 में बट में बट विदैक्ट फ्रॉम जिसे स्टार्ट हुए थे वो था फर्स्ट जनवरी 2016 दिस पैराग्राफ आई हैव टेकन फ्रॉम द पीआईबी ओनली गुड इवनिंग सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंगल रिप्लेस बी इन दैराग्राफ मीन्स कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो लोकलाइज कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन वेरियस थीम्स इन टू सी मीन्स थीम्स वेरियस थीम्स द अप्रोच एम्स टू लोकलाइज एस टी जी इन रूरल एरिया थ्रू पी आर आई स्पेसिफिकली ग्राम पंचायत बाई क्लबिंग सेवनटीन गोल्स इन टू वेरियस थीम्स विच ऑफ द फॉलोइंग वि रिप्लेस द बन द बो पैराग्राफ मीस कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एन आई आर डी आई बी एनी अदर गेस्ट डी एमओ एस पी आई नौ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दे आर लोकलाइजिंग इन टू वेरियस थीम्स तो थर्ड था कि कितने थीम्स में वो लोकलाइज करेंगे 17 हैं. 17 को कितने थीम में वो ये दूसरा ये पी आई बी से भी लिया गया है और ये कुरक्षेत्रा है जो अक्टूबर की मैगजीन उसमें भी ये डिस्कशन है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्रा का कैसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट नाबार्ड में लास्ट वन टू ईयर में नहीं पूछे गए बट उससे पहले तो प्रोबेबिलिटी रहती है एनी गेस कितनी थीम्स हैं सेवेंटीन जो एस हैं तो वो नाइन थीम्स के अंदर लोकलाइज किए गए हैं लोकलाइज एसडीजी इन नाइन थीम्स तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है ठीक है सी तक हो गया हमारा इसके बाद आता है विजन ऑफ लोकलाइज एस थीम गुड गवर्नेंस इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द कंट्री तो क्वेश्चंस क्या है डी से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द डी इन द बो पैराग्राफ तो डी टू फोर सिक्स एट नाइन ऑप्शन है और क्वेश्चन है हमारा कि डी को क्या रिप्लेस करेगा डी है गुड थीम थीम कौन सी है जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है नाइन थीम में जो थीम कौन सी थीम गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है यस एट इज द राइट आंसर फॉर दिस जो थीम एट है वो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है तो ये रहेगा लास्ट में है क्या है प्रोग्रेस फाइव टी पिलर्स तो फाइव टी पिलर्स पे क्वेश्चन पूछा है मैंने पिलर है जो इस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है ये पीआईबी में भी आया था और कुरुक्षेत्र मैगजीन में भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द द फॉलोइंग इज इज ए एज इन पैराग्राफ दिस टीम वर्क टेक्नोलॉजी टाइमलाइन ट्रांसपेरेंसी एंड टोटल सैनिटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए फाइव टी एज रेफर्ड इन द दो पैराग्राफ एनी गेस यस टोटल सैनिटेशन इज नॉट हेयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉरमेशन ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन विल बी द राइट आंसर

Under this scheme are SC, OBC, EBC, DNT, D notified tribes, uh, Safai Karamcharis, including waste picker etc. The age criteria of the scheme between 18 to 45 years and income criteria is no income limit for SC, Safai Karamcharis, including waste picker and DNT. Which of the following scheme has been referred in the above paragraph? यस करेक्ट आंसर ये स्कीम भी पढ़ लेना बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ना आरबीआई का एग्जाम हो या नाबार्ड का एग्जाम हो पिछले तीन चार साल की हिस्ट्री है कि सोशल जस्टिस से एक स्कीम आती है आती है आपका फेज वन में देखा कि काफी क्वेश्चन पूछे गए थे यस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितनी स्कीम है ये पढ़ लेना जैसे श्रेयस अभी फेज वन में पूछा गया था पीएम अजय के जा पूछे जाने के चांस है काफी क्योंकि स्कीम्स पीआईबी में बार बार न्यूज में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एस और स्कीम में था कि एस सफाई कर्मचारी वेस्ट पिकर के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है बट देर इज इनकम क्राइटेरिया फॉर ओबीसी एंड ईबीसी तो वो इनकम क्राइटेरिया क्या है द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी बिलो और ये पीएम दक्ष तो लास्ट ईयर इस साल नहीं लास्ट ईयर आरबीआई फेज टू में भी पूछी गई थी ऑप्शन डी यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जो एनुअल फैमिली इनकम है ओबीसी के लिए थ्री लैख और ईबीसी के लिए वन लैख से बिलो होना चाहिए दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेफर्ड स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो इसमें है नेशनल शेड्यूल फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन डेफिनेशन फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा मैं आप गैस करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विल इंप्लीमेंट दिस स्कीम्स which of the following option is correct nsfdc nstfdc nbcfdc nskfdc any guess c 1 3 and 4 1 3 and 4 c no st yes it is correct answer दिस इज शेड्यूल्ड ट्राई फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सो इट इज इनकोरेक्ट नेशनल इसमें एस सी ओर आना था ये ऑप्शन भी गलत है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन तो ये तीन अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कोरेक्ट रिगार्डिंग द स्कीम द पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू इंप्रूव ऑल राउंड कॉम्पिटेंसी एंड टू पॉइंट सेवन पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ ट्वेंटी टू सिक्स द कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज एज पर कॉमन नॉर्म्स इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उजेंड पर मंथ टू ओबीसी फॉर नॉन रेजिडेंशियल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सिस स्किलिंग के लिए जो ऑलरेडी जॉब में है उन्हें अपनी स्किल को इंप्रूव करना है उसके लिए स्टाइफंड या कंपनसेशन वेज कंपनसेशन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मिलेगा बट अगर आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्स करना है तो एस के केस में पंद्रह सौ रुपए पर मंथ होगा स्पाई ब्रह्मचारी केस के में भी फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ है बट थाउजेंड रुपीज पर मंथ है ओबीसी ईबीसी के केस में स्टाइफंड मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है इसकी स्कीम्स की गाइडलाइंस से में सेकेंड इज इनकोरेक्ट एनी अदर ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आई थिंक फर्स्ट थ्री एंड फोर आर इनकरेक्ट फर्स्ट थ्री एंड फोर आर करेक्ट एनी अदर कैंडिडेट थर्ड इनकरेक्ट रिशभ त्रिपाठी थर्ड इनकरेक्ट थर्ड इनकरेक्ट एनी अदर कैंडिडेट हु वॉन्ट टू गैस दिस क्वेश्चन नो थ्री थाउजेंड वेजेस इज नॉट करेक्ट

यस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेनरशिप तो एम एस डी ई जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कहीं भी भी क्वेश्चन आए जब आ, ट्रेनिंग से रिलेटेड नॉर्म्स हैं वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के फॉलो होते हैं और नेशनल एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी है ट्रेनिंग का वही हमेशा फॉलो किया जाता है तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत रहेगा इसमें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सो डी विल बी द करेक्ट आंसर द स्कीम टारगेट टू ट्रेन डरिंग द नेक्स्ट थ्री ईयर विल बी कैंडिडेट फ्रॉम 2023-24 टू 25-26 ट्वेंटी सिक्स अगेन पी आई बी से लिया गया क्वेश्चन है ये विद ए बजटरी आउटले ऑफ रुपीज टू एटी सिक्स ए वन लैख सिक्सटी नाइन थ्री हंड्रेड एनी अदर कैंडिडेट एनी बॉडी वॉन्ट टू से कोर्स हमारे कोर्स शेयर नहीं होते हैं एक ही डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं आप डिवाइस की लिमिट भी है दूसरी डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा थ्री हंड्रेड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑल्सो मिलेट मिलेट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्क्रीन इज विजिबल मिलेट इज ए सीरल ग्रेन दैट बिलोंग्स टू द विच फैमिली कॉमनली नोन एज द ग्रास फैमिली एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इयर फॉर डिस्क्रिप्टिव आल्सो एंड फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट आल्सो रीड इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक मिलेट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग दीज बोथ आर most important topic and uh, definitely will find question in the objective as well as in the descriptive so this is about the millet so let's see what are the questions we have framed here as per botanical classification millets belong to which family your agriculture static knowledge yes i think you have studied very well

यस पाल मिलेट जिसे आम भाषा में बाजरा कहते हैं और मेरा मैं बता देता हूँ मेरा विंटर में सबसे फेवरेट फूड है ये बाजरे की रोटी यस पी ग्लेकम ग्लेकम इज द राइट आंसर यस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस बाकी का भी पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट मिलेट्स है उनका एटलीस्ट वोटा नेम इंडिया रीब्रांडेड न्यूट्रिय रिच मिलेट एज न्यूट्रीशियल एंड डिक्लेयर ईयर एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये पीडीएफ ये में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा ये पैराग्राफ पढ़ लेना उसमें भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में भी कई बार क्या हुआ है कि जैसे हमने कोई पैराग्राफ मोक में डाला हुआ है तो उससे ही क्वेश्चन आ गया है पैराग्राफ से पैराग्राफ में से ही कोई क्वेश्चन बन गया है इसको, क्या होगा ना बहुत सारे कैंडिडेट क्या रहते हैं जल्दी में रहते हैं और सीधा इसको 2023 मार्क कर देंगे और 2023 अगर आपने मार्क कर दिया तो ये गलत हो जाएगा नेशनल ईयर पूछा है न कि इंटरनेशनल ईयर ये गलत है 2018 में इसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया था जो 2018 है वो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया था तो मैं आपको आंसर्स भी दिखा देता हूं हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है ऐसा नहीं है जैसे ये थीम एट थी तो विलेज विद गुड गवर्नेंस थी थीम नाइन है जेंडर डेवलपमेंट मीन फीमेल से रिलेटेड जेंडर इश्यूज से रिलेटेड है ये पीएम दक्ष के बारे में था ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था तो इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इंक्लूडेड है ग्रेट्रिक केयर गिवर जो ओल्ड एज लोगों की केयर गिवर हैं उन वो भी एलिजिबल हैं इसमें और हम अभी थे क्वेश्चन नंबर ये मैंने इंपॉर्टेंट जो है आ, बोटेनिकल नेम्स इसमें डाले हुए हैं सोल्यूशन में और ये था और जो अडोप्ट किया गया था यूएन में वो कब किया गया था तो 72 कंट्रीज के एग्री एग्री थे इट वाज सपोर्टेड बाय 72 कंट्रीज एंड मार्च 21 में ये एक्सेप्ट किया गया था अप्रूव किया गया था तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर सो 5th march 2021 next question which of the following state is not among top largest millet producing state which of the following is not top 5 largest millet producing state bihar यस कौन सा स्टेट है फिर पांचवा आप बताओ बिहार इज इनकोरेक्ट बट वट विल बी द कोरेक्ट ऑप्शन इन प्लेस ऑफ बिहार फाइव मेजर जो है मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इट इज नॉट गुजरात इट इज आई थिंक राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटका उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा दीज़ आर फाइव मेजर एम पी एम पी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर में शायद एम पी या हरियाणा में से एक है गुजरात नहीं है गुजरात नहीं है जो लेटेस्ट डेटा है अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे मतलब एपीडीए की वेबसाइट पे रिपोर्ट्स uh, में भी जिक्र किया गया है पीआईबी में भी है डिटेल आई थी इसकी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी ट्रॉपिक्स इंडिया ऑफिस इज लोकेटेड हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है वो हैदराबाद में लोकेटेड है तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हम एक्सप्लेनेशन में एड कर देते हैं यस yes, हरियाणा है जो लेटेस्ट डेटा है पीआईबी के अकॉर्डिंग क्योंकि हमने देखा है जनरली जो एग्जामिनर है जैसे आरबीआई में भी कुछ स्कीम्स uh, थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे तो स्टेट का भी जहाँ पे रेफरेंस आया था तो दे हैव टेकन द डेटा ऑफ पीआईबी ओनली बिकॉज इट वाज सेड इन द पीआईबी फॉर सम स्कीम्स ऑलवेज देर इज डेटा इन पी सो ट्वेंटी वन के जो फिगर्स हैं ट्वेंटी टू के अभी फाइनल फिगर्स नहीं आए हैं तो ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटक हरियाणा ये फाइव मेजर जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट है मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट और पी में आप चेक भी कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज इंप्लीमेंटेड द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर द मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टू टॉ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन With an outlay of what uh, amount? Any guess, other candidate? Yes, 800 crore is the right answer for this question. So, next question X is a collective name of the land use system and technologies where woody perennials, trees, shrubs, palms, bamboos, etc., are deliberately used on the same land management. Units as agriculture, crops, animals in some form of spatial arrangement or temporal sequence. In this system, there are both ecological and economical interaction between the components, different components. So, I think it is enough to uh, answer this question. Which of the following will replace X in the above paragraph? This is agroforestry, social forestry, extension forestry, silviculture, farm forestry. हमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है सीधा ही नहीं कि सिल्विकल्चर ऑप्शन दिखा तो आंसर कर दिया इट इज ए कोलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज वेयर वुडी वूडी पेरिनियल्स ट्रीज श्रब्स पाम्स बेम्बूज एक्सेट्रा आर डेलिब्रेटली यूज ऑन द सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट सच एज एग्रीकल्चर क्रॉप्स एनिमल्स इन फॉर्म ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट एग्रो फोरेस्ट्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये सब भी पढ़ लेना बाकी सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होता है कल्चर क्या होता है और फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है और सोशल फॉरेस्ट्री एग्रो फोरेस्ट्री डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है दो साल लगातार आया है टू ईयर्स कंटिन्यूस सोशल फोरेस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्रिप्टिव में इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन द फार्म इन द फॉर्म ऑफ रेजिंग रोज ऑफ ट्रीज On buns or boundaries of field and an individual tree in private agriculture land, as well as the creation of the windbreaks, which are protective vegetable, vegetal screen created round a farm on uh, an orchard by raising one or two lines of tree fairly close with shrubs in between. It is social forestry, extension forestry, integrated farming system, farm forestry. What is this farm forestry? It is an easy question. इन दिस सिस्टम फॉरेस्ट पैच इज सेलेक्टेड एंड क्लियर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इज डन फॉर ए फ्यू ईयर एंडिल सोइल फर्टिलिटी डिक्लाइंस फिर क्या होता है इसमें क्या होगा कि एक जगह पे फॉरेस्ट में ट्रीज को हटाया जाता है ट्रीज हटाकर वहां पर कल्टिवेशन की जाती है एक टाइम के जब तक फर्टिलिटी रहती है सोइल में अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है तो फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है वहां के ट्री काटे जाते हैं बन के जाते हैं तो ये क्या प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा है एक बहुत ही फेमस टर्म है इसको नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है झूम कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन और झूम कल्टिवेशन नॉर्थ ईस्ट में इसका नाम क्या है झूम कल्टिवेशन झूमिंग भी बोलते हैं झूम कल्टीवेशन खालू कुरवा इन झारखंड दहिया और पोडो इन उड़ीसा आंध्र प्रदेश बोला जाता है इसको तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है नेक्स्ट क्वेश्चन द सिस्टम कंबाइंड फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और रेंज रेंजलैंड और ऑन फार्म द सिस्टम कंबाइंड फोरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यस इट इज एन ईजी क्वेश्चन मीन्स फॉरेस्ट्री के साथ एनिमल्स को भी पालना मीन्स लाइफ स्टोक को पालना प्लस में फॉरेस्ट्री वट इज दिस टर्म कॉल्ड तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है तो ये भी इजी क्वेश्चन है सिल्वो पास्टर ठीक है और एग्रो एग्रो सिल्वो पास्टल को क्या बोलेंगे हम इसका भी लिखो आंसर पास्टल एग्रो सिल्वो पास्टल ट्री प्लस क्रॉप प्लस एनिमल यस तीनों ठीक है एले क्रोपिंग भी पढ़ लेना एले क्रोपिंग क्या होता है लेग्यूमेट्री प्लस स्पेसिफिकली इसमें लेग्यूम ट्री प्लस, प्लस क्रॉप ही होता है एक तरह से ये आ, एग्री सिल्विकल्चर का ही पार्ट है एग्री सिल्विकल्चर का बट इसमें मेनली लेग्यूमेट्री का फोकस किया जाता है व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द पॉपुलर ट्री व्हाट इज द नेम ऑफ पॉपुलर ट्री बोटेनिकल नेम कि सम जो फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज़ हैं वो बहुत ही फेमस जैसे कैर एक क्वेश्चन पूछा गया था फेज़ वन में नीम पूछा जा सकता है सांगवान है स्वेदा जिसे यूकिलिप्स बोलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब पढ़ लेना इनके बोटेनिकल नेम एटलीस्ट पांच छह ही होंगे ये तो ये पूछे जा सकते हैं राइट आंसर और इजी है ये काफ़ी जैसे सीसम का ये हो गया यूकिलिप्स का इजी नाम है मोरिस एल्बा सहतूत ट्री है उसका नाम है ये खैर पॉपुलस डेल्टोइड्स इज द नेम ऑफ द पॉपुलर ट्री तो काफ़ी इंपॉर्टेंट uh, uh, ट्री है ये तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जा सकती है जैसे फेज वन में पूछे गई हैं और जनरली एग्जामिनर क्या करता है कि हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करता है कि क्वेश्चन सारे टॉपिक से कवर हो जाएं तो ये बीस क्वेश्चन थे हमने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं तो मोक में भी हमारा जो पैटर्न है सिमिलर रहेगा बाकी टेन क्वेश्चन है जो वन लाइनर कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे और मिक्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे तो के भी रहेंगे प्लस स्कीम्स के करंट अफेयर के तो यही सिमिलर टर्म सिमिलर टाइप से पेपर में रहने वाला है ऐसे ही पैराग्राफ दिए होते हैं तो आपको काफी बार उसमें से गैस करना होता है पैराग्राफ में कि कौन सी स्कीम का रेफरेंस दिया है जनरली इजी भी आता है आजकल जैसे आरबीआई में हमने देखा कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जैसे उस पर क्वेश्चन पूछा गया था ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे तो उन्होंने एक पर्सन का नाम दिया ही इज ए वर्कर डूइंग दिस मीन्स उसका प्रोफेशन दे दिया था एंड ही हैज़ टू चाइल्ड और वाइफ एंड कंडीशन लगा दे दी थी कि मतलब फैमिली का ब्रेकअप दिया गया था कि उसके दो बच्चे हैं और वाइफ है एंड फिर पूछा गया था कि इज़ ही इलीजिबल अंडर दिस स्कीम मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट दी गई थी कि उसको वो कितने तक का ट्रीटमेंट करा सकता है तो इस तरह से एक स्टोरी बेस्ड और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको स्कीम आती है तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन यस yes, पी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे क्वेश्चन आया था जो मिशन शक्ति पे है जो पहले सौधर ग्रह थे उनके ऊपर में उसके ऊपर में क्वेश्चन आया था रीजनिंग कट ऑफ आई थिंक इट शुड बी लिटिल लेस एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर ये सिमिलर तो नहीं रहेगी लास्ट ईयर के कम्पेरिजन में क्योंकि तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था आई I मीन mean, अगर हम नॉन मेरिट सेक्शन की बात करें तो भी वो थोड़ा डिफिकल्ट था प्रीवियस ईयर के कम्पेरिजन में तो लास्ट ईयर से कम रहेगी अब एग्जैक्ट एक, नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर आर की तरफ एक फिक्स परसेंटेज फॉलो नहीं होता कि ट्वेंटी फाइव बट लास्ट ईयर से ये पीडीएफ अभी हमने ऐड नहीं किया ये मॉक में ऐड होंगे मॉक में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट हैं जो फेज के उसमें मिलेंगे ये ये ऐड हो जाएंगे आप तो रीजनिंग की कट ऑफ है जब बाकी सेक्शनल कट ऑफ है लास्ट ईयर से कम रहेगी ओके ओके, ओके आ, पेपर एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर इन द नॉन मेरिट नॉन मेरिट पार्ट Questions were little difficult side as compared to the last year. So probably the cutoff will be lower side uh, as compared to the previous year. I mean non-merit section. The cutoff uh, of each section I am expecting it will be lower side as compared to the last year. And similarly in the merit section also. So how much marks you are getting? thank you sir if fail in phase 1 the course fee will be refunded yes if you are not if you have subscribed our phase 2 course only i am referring if you are subscribing our our phase 2 course then only the fees will be uh, refunded otherwise it will not be refunded Okay, so any other question? And uh, those uh, again, I'm saying that if you are uh, uh, confident that you will be able to clear the uh, phase one uh, non-minute uh, normative sectional cutoff, and you are getting thirty six to forty, so you should start your preparation for phase two. Do you should not waste any time, and uh, I think results should be normalization generally. Happens when exam is in multiple shift. And I think uh, phase two exam date uh, already have been conveyed by the Akasar in his YouTube channel. That is 19th November. I think it should be the 19th November. So you should uh, prepare uh, by considering it as the final date, 19th November. Yes, I will provide the most important. Even already provided important MCQs are uh, will be useful for phase two as well because a lot of data we were expecting in phase one. But this year they have not asked the much data in the phase one. But we can expect in the phase two at least GVA GDP related data that is very important schemes I have covered. Uh, in the way that that can be asked uh, uh, in phase two as well so it is important those mcqs are also important and similar uh, as i have done in the phase one i will do for the phase two as well 19th november chat is there so it may be postponed or a pre-poned then uh, means it will be near to that date only they can pre i think they can pre we will re release the uh, on Thursday. Thursday, we will release the phase 2 mocks. Report related questions we are not expecting in this exam because this exam is uh, in this exam questions will be uh, focused more focused on the rural areas and agriculture sector so uh, any report is there related to the agriculture so it can be also 16 number can be also but we are trying to get information we will share if we will get about the exam and uh, in this uh, yes they don't they will not take exam on uh, festival days and uh, uh, phase 2 uh, descriptive questions will be more focused on the rural uh, development and social issues and agriculture part so report part i am not expecting but if any report is there related to the poverty or agriculture that then it can be asked so thank you for joining the session keep studying don't waste your time and this will be the pattern of the questions means uh, Paragraph-based question will be there, and you need to study the schemes in detail. More, give more focus on the PIB plus schemes part. That is very important. What to do for English descriptive? English descriptive, current news, what are whatever is go, uh, happening in current, you can uh, focus on those. Means current tre uh, trending topics they will be asking, so focus on those. Result I think within 15 days of uh, exam they should declare. Okay, thank you for joining the session.